Hey, hello everyone, this is dipika Welcome to AD Commerce classes. Now, today in this video, we are going to di discuss the previous year question paper of ICT. Okay, and these uh, questions were asked in December 2018. Okay, and uh, before starting the video, I will tell you one thing more. Uh, I have uploaded uh, logical reasoning, DI questions, mathematical reasoning. Uh, questions, research aptitude questions, communication questions as well. If you people don't watch those video first, uh, firstly watch those video. I'll provide you a uh, link on the i button and. Uh, I, I want to tell you one thing more. If you people are new in this channel, please like, share, and subscribe my channel. And uh, if uh, any of you are preparing for uh, Super TET, KVS, D Triple SB, UP please visit my uh, new channel named as Let's Crack Super TET and KVS. So without wasting any time, let's start with uh, our first question. Which of the following diagrams indicates the best relation between India, World, and New Delhi? Okay. सो दीज आर images you यू हैव टू फाइंड आउट of ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन इंडिया वर्ड एंड न्यू Delhi ठीक है पहला ऑप्शन क्या कह रहा है इंडिया वर्ड एंड न्यू दिल्ली अब पहले ऑप्शन में सिमिलरिटी है चलो ठीक है ये आ, पहले ऑप्शन में इंडिया वर्ड न्यू दिल्ली की सिमिलरिटी है मुझे नहीं दिख रही है थर्ड ऑप्शन में सिमिलरिटी है बिल्कुल नहीं है तो तीनों अलग है डी ऑप्शन में सिमिलारिटी है बिल्कुल मतलब सिमिलारिटी क्या नहीं है बी ऑप्शन में सिमिलारिटी दिखा रहा है जो लास्ट वाला सर्किल है वो है वर्ल्ड का नो जो मिडल वन है वो सर्किल आपका इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बीच वाला सर्किल है वो न्यू दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओके नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग डायग्राम्स बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली फैमिली मेंबर्स एंड डोमेस्टिकल्स हेल्प नाउ फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं फैमिली फैमिली मेंबर डोमेस्टिक हेल्प तीनों सर के लेक में है डोमेस्टिक हेल्प घर में ही होते हैं नहीं बिल्कुल नहीं तो पहला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना थर्ड पर सी पे देखते हैं सी uh, पे क्या लिखा है फैमिली मेंबर्स uh, मतलब डोमेस्टिक हेल्प बड़े वाले सर्कल के अंदर आ गई ये भी नहीं होता है डी देखें तीनों अलग अलग हैं ये भी नहीं होता है नाउ बी नाउ बी हम देखते हैं क्या लिखा है फैमिली एंड फैमिली मेंबर बड़ा वाला जो सर्किल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका फैमिली को छोटा वाला रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली मेम्बर्स को उसके बाद जो सर्किल से अटैच नहीं है छोटा वाला सर्किल वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी डोमेस्टिक हेल्प को सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ठीक है नाउ वी मूव टू सेकेंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी देखो ये क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है ठीक है तो इसको आप ध्यान से समझिए कौन सा आपका नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है रिंग बस चेन या स्टार अब हम समझते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या क्या आता है ठीक है ये मैंने खुद अभी नोट्स uh, बनाए हैं उसके बाद इसको स्कैन किया है तो अब हम चलते हैं अपने नोट्स पे नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी में आपके क्या क्या आते हैं ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी में पॉइंट टू पॉइंट बस आता है रिंग आता है स्टार आता है ट्री आता है मैश आता है एंड हाइब्रिड इसके अलावा जो भी आपको दिया रहेगा वो नेटवर्क टोपोलॉजी का आपका पार्ट नहीं होगा ओके ये आपने इमेज देख ली होगी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ओके अब हम डिस्कस करते हैं रिंग क्या होती है बस क्या होती है स्टार क्या होती है ये तीनों नंबर ऑफ टाइम्स पूछे गए हैं इसलिए रिंग में बेसिकली क्या होता है रिंग इन विच ईच नोड इसमें क्या होता है ईच नोड आ, हर एक नोड एग्जैक्टली दूसरे नोड से कनेक्ट होता है फॉर्म करता है सिंगल कंटिन्यूस पाथवे हाँ फॉर सिग्नल्स थ्रू ईच नोड मतलब एक नोड दूसरे नोड से कनेक्ट है ठीक है आ, दूसरे नोड से कनेक्ट है और सिंगल कंटिन्यूस ये पाथवे बना रहे हैं सिग्नल्स के लिए थ्रू ईच नोड ईच नोड के जरिए ठीक है रिंग का ये हो गया न बस की अगर बात करें बस में क्या होता है ये एक तरह की नेटवर्क टोपोलॉजी इसमें नोड्स डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं टू कॉमन हाफ डुप्लेक्स लिंक इनका हाफ डुप्लेक्स लिंक से ये कनेक्ट होते हैं ठीक है डायग्राम में आप देख सकते हो बस का ये बस के जैसे दिख रहा है वो रिंग के जैसे दिख रहा था नॉन स्टार पे देखते हैं हम क्या है ये स्टार के जैसा है मतलब इसमें एक बीच होगा मेन होगा कनेक्टिंग लिंग होंगे उससे सब छोटे 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 आपके आ, मतलब सिग्नल्स uh, कनेक्ट हैं आपको दिख रहा होगा स्टार में फॉर लैंड इन विच ऑल आर इंडिविजुअली कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कनेक्टिंग पॉइंट सेंट्रल कनेक्टिंग पॉइंट आपका बीच वाला है और इंडिविजुअल नोट्स जो हैं वो इससे कनेक्ट है स्टार में आई होप ये आपको समझ में आया होगा नेटवर्क टोपोलॉजी ओके सो लेट एस मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन क्वेश्चन में आपके पूछा गया था कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का पार्ट नहीं है तो आपको बताना था हमने रिंग पढ़ लिया बस पढ़ लिया स्टार पढ़ लिया और चेन हमने कहीं भी नहीं पढ़ा तो मतलब चेन हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी का पार्ट नहीं है मैं फिर से रिवाइज़ करा दूँ पॉइंट टू पॉइंट बस रिंग स्टार ट्री मैच हाइब्रिड दीज आर द पार्ट्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी ठीक है चेन आपका पार्ट नहीं होता है ना वी मूव टू सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन ब्राउजर क्या है फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ई मेल लिस्ट टू से मैच करना है आउटलुक डी ओ एस इंटरनेट एक्सप्लोर एंड फोटीन ब्राउजर क्या है हम सबको पता है भाई ब्राउजर हम लोग हम आजकल यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट एक्सप्लोजर क्या है हमारा ब्राउजर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सबको पता है भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है ठीक है जिसमें हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं दैट प्रोड्यूस वेरियस काइंड्स ऑफ आउटपुट जैसे हमारा सी प्लस प्लस है जावा है फोटो फो, आ, फोटेन है है ना कोबोल है ये सारी हमारी क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजें होती हैं जिसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं नाव अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा डी ओ एस है डी ओ एस बेसिकली होता क्या है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो कंप्यूटर uh, का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दैट कैन यूज़ अ डिस्क स्टोरेज डिवाइस ये क्या करते हैं डिस्क स्टोरेज डिवाइस को यूज़ करते हैं जैसे हमारा इसमें फ़्लॉपी डिस्क आ गया ऑप्टिकल डिस्क आ गया हार्ड ड्राइव डिस्क आ गई ठीक है नाव अगर हम आउटलुक या uh, की बात करें तो आउटलुक डॉट कॉम क्या है फ्री वेब ईमेल सर्विस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है अब आप अगर आपको उसकी थ्योरी भी पढ़नी है तो थ्योरी मैंने यहां मेंशन करके रखी है ठीक है आप इससे समझ सकते हो जस्ट अ मिनट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ फॉर्मल लैंग्वेज विच कम्प्राइज़ ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट दैट प्रोड्यूस वेरियस काइंड ऑफ आउटपुट भाई सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस होते हैं एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है जो हमें आउटपुट uh, देती है इंस्ट्रक्शन uh, प्रोवाइड करने के बाद जो हमें दैट प्रोड्यूस वेरियस काइंड ऑफ आउटपुट जो विभिन्न तरह के हमें आउटपुट देती है इसमें एग्जाम्पल है सी प्लस प्लस है जावा है फोटो फोटेन uh, है ये सारी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं ठीक है ना आउटलुक मैंने बता दिया कि फ्री वेब वेब बेस्ड ईमेल सर्विस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है डीओएस बताया मैंने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है इसमें इसके एग्जांपल्स हैं हमारे फ्लॉपी डिस्क ऑप्टिकल डिस्क हार्ड ड्राइव डिस्क आई होप ये समझ में आ गया होगा आप सबको नाव सेकेंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग डी द इंटरनेट हार्डवेयर रिक्वायरमेंट भाई इंटरनेट हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं ठीक है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाई हार्डवेयर क्या होता है हार्डवेयर क्या होता है हार्डवेयर में बेसिकली इंक्लूड्स होते हैं फिजिकल पार्ट्स कंप्यूटर के ठीक है हार्डवेयर के फॉर्म में फिजिकल पार्ट्स जैसे कि सी है मोनीटर है की है कम्प्यूटर डाटा है साउंड कार्ड है मदरबोर्ड है ये सारे हमारे हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं ना हब है रूटर है मॉडर्म है ब्रिज है क्या होता है ये ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं जस्ट मिनट रूटर क्या होता है रूटर एक डिवाइस होती है दैट ट्रांसफर्स डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर इन अ इंटेलिजेंट वे रूटर एक डिवाइस होती है जो एक एक डेटा को दूसरे एक डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर करता है इन एन इंटेलिजेंट वे ठीक है टास्क ऑफ फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट्स टू देर डेस्टिनेशन बाय द मोस्ट एफिशिएंट रूट मतलब जो सबसे बेहतर तरीका होगा वो यूज़ करता है रूटर डेटा ट्रांसफर करने के लिए तभी यहाँ पे लिखा गया है इंटेलिजेंट वे नाउ सेकंड पे मूव ऑन करते हैं मॉडर्न क्या होता है मॉडर्न बेसिकली हमारा कॉन्ट्रक्शन uh, होता है जिसे हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर या डी मॉड्यूलेटर का कॉन्स्ट्रक्शन होता है भाई क्या होता है मॉडर्न सेंडिंग मॉडर्म क्या करता है मॉड्यूलेट्स करता है डाटा को सिग्नल में ठीक है जो कि कंपेटेबल होता है फ़ोन लाइन से और रिसीविंग मॉडम क्या करता है डी demodulate, मोटि करता है डाटा को डाटा को बैक डी करता है डिजिटल डेटा में ठीक है ना वायरलेस मॉडम मॉडम क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं डिजिटल डाटा को रेडियो सिग्नल्स में एंड बैक ये होती है हमारे मॉड मॉडम की मॉड्यूलेटर डी की कहानी ज़्यादा मैंने इसमें लिखी नहीं है क्योंकि uh, आजकल सभी को पता रहता है स्टिल थोड़ा थोड़ा मैंने मैंशन कर दिया बाकी मैंने समझा दिया ना सॉफ्टवेयर सबको पता है द प्रोग्राम्स एंड अदर एंड अदर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय कंप्यूटर जो कंप्यूटर यूज करता है प्रोग्राम्स हैं इंफॉर्मेशनस हैं वो सारी हमारी सॉफ्टवेयर के रूप में होती हैं सॉफ्टवेयर हमें दिखाई नहीं देते ठीक है वो कमांडेबल होते हार्डवेयर चीजें हमें दिखाई देती हैं ठीक है जैसे फोटोकॉपी का हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर चाहिए है हा ना तो वो हार्डवेयर फोटोकॉपी के फॉर्म में हमारे पास कोई चीज़ आ गया दैट इज़ हार्डवेयर ठीक है ना अब uh, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गेटवे गेट वे ना हब क्या होता है हब अभी गेटवे भी बता दूंगी हब क्या होता है ये कनेक्ट करता है हब इज़ यूज टू कनेक्ट सेगमेंट्स ऑफ लैंड है ना सेगमेंट ऑफ लैंड लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क कंटीज मल्टीपल पोर्ट पोर्ट्स ठीक है और इसमें यह भी होता है जब पैकेट्स एक पोर्ट पे अराइव होते हैं तो वो कॉपी करे जाते हैं दूसरे पोर्ट पे जिससे कि सारे सेगमेंट्स में या फिर सारे लैंड के सेगमेंट्स में सब उसे सारे पैकेट्स उसे देख पाएँ ठीक है ये हमारा हब का काम होता है ना अगर हम बात करें कि आ, मैंने बोला था एक चीज़ छूट गई थी ना गेट छूट गया था गेट को समझाना ना गेट क्या होता है गेट एक पीस होता है पीस ऑफ नेटवर्किंग हार्डवेयर हार्डवर्किंग हार्ड मतलब हार्डवेयर सिस्टम का पार्ट होता है टेली कम्युनिकेशन फॉर टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट अलाउ डाटा टू फ्लो फ्रॉम वन डिस्क्रीट नेटवर्क टू अनदर भाई वही काम है डेटा को एक डिस्क्रीट नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जोड़ने का काम करता है गेट ठीक है आई होप ये सारे हो गए होंगे ना क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन क्या लिखा था आपका कि कौन से आपके आ, ये हो गया था ये भी हो गया था ना इसमें हाँ कौन से आ, इंटरनेट हार्डवेयर को डिनोट करते हैं हमने पढ़ लिया हब होता है रूटर होता है मॉडेम होता है आ, ब्रिज भी होता है और आपका गेटवे भी होता है ये सारे आपके हार्डवेयर होते हैं सॉफ्टवेयर अलग ही नाम से होता है इसलिए ए बी सी डी ई इज़ करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं इसको आप प्लीज़ मतलब फ़ोन को अपने घुमा के देख लीजिएगा इसे मैं मतलब रोटेट uh, करना भूल गई अ सेट ऑफ रूल्स यूज इन कम्युनिकेशन इज़ अ नेटवर्क इज कॉल्ड भाई क्या होता है सेट ऑफ़ रूल्स जो कम्युनिकेशन में यूज करे जाते हैं इंटर Inter इंटरफेस बोलते हैं एड्रेस बोलते हैं प्रोटोकॉल बोलते हैं या फिर रेफरेंस बोलते हैं देखो अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी नोट्स पे प्रोटोकॉल क्या होता है प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन में एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स एक सिस्टम uh, होता है रूल्स का जो अलाउ करता है दो या दो से ज़्यादा एंटिटी को किसकी कंप्यूटर सिस्टम की जो कि क्या करेंगी ट्रांसमिट करेंगी इंफॉर्मेशन को आ, ए, मतलब ट्रांसमिट करेंगी इन्फॉमेशन को टू एनी काइंड ऑफ वेरिएशन ऑफ़ अ फ़िज़िकल क्वांटिटी ठीक है मतलब प्रोटोकॉल एक ते, हमारी टेली कम्युनिकेशन में यूज़ होता है ठीक है सेट ऑफ रूल्स या फिर इंफॉर्मेशन होते हैं ये अलाव करती है दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ को ऑफ अ कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम की एंटिटीज़ को जो कि ट्रांसफ़र करती है इंफॉर्मेशन को टू एनी काइंड ऑफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटी ये हमारी प्रोट, प्रोटोकॉल होती है ना अगर इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस क्या होता है सिस्टम दैट यूज़ टू इंटरैक्ट विद अ कंप्यूटर जो क्या होता है कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है ये क्या करता है कमांड देता है और सी कर मतलब वेट करता है उनके रिज़ल्ट को देखने के लिए वेट करता है कि भाई उनका रिज़ल्ट क्या आया है उनका रिज़ल्ट क्या आया है हमने जो कमांड्स दी थी ठीक है इसे बेसिकली हम इंटरफेस कहते हैं एड्रेस क्या होता है एड्रेस बेसिकली कनेक्शन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो बेसिकली प्रेजेंट प्रेजेंट होती है फिक्स्ड फॉर्म में है ना ये हमारा एड्रेस होता है आई होप हमने तीनों पढ़ लिए थे नाउ हम क्वेश्चन पे मूव ऑन कर लेते हैं अ सेट ऑफ रूल्स यूज इन कम्युनिकेशन इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड क्या बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स को अभी हमने पढ़ा प्रोटोकॉल बोलते हैं यहाँ पे देखिए आप सेट ऑफ रूल्स इन अ कम्युनिकेशन इन अ टेली कम्युनिकेशन अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स ठीक है तो आपका आंसर इसका प्रोटोकॉल हो जाएगा इंटरफेस बता दिया एड्रेस भी बता दिया रेफरेंस जो नीचे रेफरेंस दिया जाता है ना वो हमारा बेसिकली रेफरेंस होता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉइंटिंग डिवाइस भाई ये सबको पता होगा बहुत इजी क्वेश्चन है पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है ट्रैक बॉल है टच स्क्रीन है जो है ग्राफिक टैबलेट है ये सारी ही बेसिकली हमारी पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं आप सबको ही पता होगा सो so इसके लिए आंसर ए बी सी डी ई बन जाएगा इसमें चारों ऑप्शन सही हैं तो ए बी सी डी ई बन जाएगा सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल होता है और इंटरनेट uh, हार्डवेयर ये सारे ही हार्डवेयर होते हैं हब रूटर मॉडेम ब्रिज गेटवे नाउ ये मैंने समझा दिया थर्टी सेवन क्या होगा इसलिए ऑप्शन नंबर ए का ए का थ्री हो जाएगा मतलब ए का थ्री बी ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ना थर्टी सिक्स में आपका बी सही होगा चेन कोई नेटवर्क टोपोलॉजी का पार्ट नहीं है थर्टी फाइव में बी हो जाएगा एंड थर्टी फोर में आपका बी हो जाएगा सो आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी पसंद आई होगी और प्लीज़ वीडियो पसंद आए इस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करिए मेरी भी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है सो इट वॉज इन दिस वीडियो मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग बाय बाय